जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन के अवसर पर जीतवाला चौर स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बीमारियों के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी और मरीजों का चेकअप कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरण कर। देखिए एक रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर नीतू लाठर जी। नीतू जी, स्वागत है डॉक्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आज कितने पेशेंट आए हैं आपके यहाँ और किस तरह की बीमारियाँ उनमें पाई गई? हर तरह की बीमारियाँ हैं, दांत टूटने होने से लेके, दांत मिलने से लेके, जबड़ा चढ़वाने वाले हर तरीके के मरीज हैं। कितने पेशेंट आए हैं? लगभग लगातार 40। धन्यवाद। एक आपका फ्री में इको कर देंगे हम पेशेंट को। आज कितने पेशेंट आए? क्या कारण है ये बीपी क्यों बढ़ रहा है? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं, इसको हम रिस्क फैक्टर में डिवाइड करते हैं। तो मॉडिफाइड होने से बदल सकते हैं, नॉन मॉडिफाइड होने से बदल सकते हैं, अच्छी चीज़ों को बदल सकते हैं, जैसे पानी से बदल सकते हैं, के आसपास अभी तक आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से जो हड्डी रोग जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं? सर, आजकल जो हड्डी रोग के मेनली पेशेंट आते हैं उनमें से मोस्टली पेशेंट कमर दर्द और घुटने दर्द के लिए होते हैं, और इसकी मेन वजह आज की पोअर हाई स्कूल बैड हैबिट एंड स्ट्रेस ये है। तो सर, कैसे ठीक किया जा सकता है? सर, योगा एंड एक्सरसाइज जो कि इसका मेन ट्रीटमेंट है। दवाइयों से आप शॉर्ट टर्म के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए ठीक हूँ, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रात को लेवल के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं।
कितना साल करना चाहिए? मुझे लगता है कि बेसिकली ऐसे कैंप में है हम थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हम डोर क्लास रूट लेवल पर जाके काम करते हैं, कैंप करते हैं कि यहाँ के लोग क्या कि जो अच्छा खाने में क्या होते हैं, आयरन रिच क्या लेना चाहिए उनको, जिससे उनका खून बढ़े, ये एक बेसिक प्रिवेंट करने के लिए, जिससे इनको अनीमिया ना हो, और जिनको हो गया है उनको भी दवाइयाँ प्रोवाइड करना चाहिए। जो हमारे इंडिया में जो सबसे कॉमन अगर प्रॉब्लम है जो गर्भवती महिलाओं में या महिलाओं में जो है वो ये है कि वो अनियमित है, और हमारे बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू फ्री आयरन टैबलेट भी अवेलेबल, बट ये चीज़ें इनको पता नहीं है। ठीक है, तो इस मेन जो इस ऐसे कैंप्स का जो मोटिव होना चाहिए एक अवेयरनेस, कि हम उनको ये बताएं कि उनको क्या क्या सरकार भी फ्री उपलब्ध कराती है, कि वो हम बताएंगे तब वो जाके नेसेसरी हॉस्पिटल में कहीं भी दवाइयाँ ले सकते हैं। स्वागत है दाखा डलगेना पर। कौन कौन से टेस्ट आप लोग यहाँ किए हैं? एच बी और शुगर है, तो कितने पेशेंट में शुगर की बीमारी आई है? यानी 50% शुगर के पेशेंट हैं, चिंता का विषय है। धन्यवाद। मेरे के काम की है, मुँह में मिल जाए।